हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा की थार 4x4। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं, क्या इसमें फीचर दिए गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट की लुक, काफ़ी मस्कुलर लगती है देखने में। यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग मिलती है आपको। यहाँ पर फ्रंट ग्रिल इसकी काफ़ी बड़ी लगती है देखने में। यहाँ पर थार की बैजिंग। बात करें इसके हेडलैम्प की तो सिर्फ आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा इसमें देखने को। ये आपको इंजन ओपन दे रखा है। बात करें इसके यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब में। नीचे की साइड आपको मिलता है फोग लैंप हेलोजन में ही। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। ये आपको बम्पर मिलता है इसका ब्लैक एंड सिल्वर में। चलते साइड की प्रोफाइल की तरफ तो टायर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है टायर साइज 255/65/18। काफ़ी बड़े टायर दिखते हैं। 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है आपको। ड्रम ब्रेक मिलते हैं आपको आगे पीछे। ये आपको फेंडर पर दे रखा है आपको इंडिकेटर, ब्लैक कलर का फेंडर। यहाँ थार की बैजिंग मिलती है आपको। यहाँ पे आपको ORFM पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ब्लैक में मिलता है। डोर हैंडल भी आपको ब्लैक में मिलेंगे। ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर ब्लैक में पूरा। चलते हैं इसकी पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिलती है। ऐसी दिखती है इसकी पीछे की लुक, काफ़ी बड़ी लगती है देखने में। टेल लैंप की बात करें तो इसमें आपको मिलता है LED। एक सेकंड में आपको चला के दिखाता हूँ। तो ऐसे दिखते जलने के बाद ये आपको इंडिकेटर मिलता है हेलोजन। नीचे आपको बैकलाइट मिलती है। यहाँ पे थार की बैजिंग। बात करें इसके बम्पर पे तो आपको रिफ्लेक्टर मिलता है नीचे वाली साइड। पार्किंग सेंसर इसमें आपको दो देखने को मिलेंगे। बम्पर आपको सिल्वर एंड ब्लैक में मिलेगा। अब बात करें स्टेपनी टायर की तो इसमें आपको साइज मिलता है इसका 225/65/18। वही सेम साइज मिलता है आपको। टायर का साइज काफ़ी बड़ा है इसका। बात करते हैं इसकी बूट ओपनर की तो यहाँ से आप आराम से खोल सकते हैं इसको। तो पहले आपको ये चली साइड खुलती है और उधर से आप मिरर खोल सकते हैं तो पूरा बूट खुल जाएगा पीछे से। ये आपको हैंडल दे रखा है। ये रहे इसका मिरर, आप इसको पूरा अनफोल्ड कर सकते हो। पीछे इतना दिखता है आपका बूट स्पेस। इस सीट को आप अनफोल्ड भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पेस होगा सीट को अनफोल्ड करने के बाद। अब कर देते हैं इसको बंद। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक। 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। डायमेंशन आपको शो रही होगी स्क्रीन पे। अब बात करें इसके फुट रेस्ट की तो उसमें आपको काफ़ी हैवी मिलता है, आराम से कई किलो का वेट आराम से उठा सकता है। अब यहाँ पर आपको MO की बैजिंग दे रखी है, एक इंडिकेटर दे रखा है FM के लिए। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ तो इंटीरियर जाने से पहले आपको चाबी दिखाते हैं। दे रखा है लॉक एंड अनलॉक, ये फ्लिप की दे रखी है आपको इसके अंदर। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ तो ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। अब बात करें डोर की तो आपको थार की बैजिंग दे रखी है यहाँ पे सिल्वर फिनिश में। डोर हैंडल आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। यह आपको ऑटो फोल्ड मिरर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एडजस्ट करने को मिलता है। यह आपको होल्ड ग्रिप दे रखी है। नीचे की साइड आपको कार्बन फिनिश दे रखी है। यह आपको बोतल होल्डर मिलता है। ये आपको एक कपड़ा टाइप सा दे रखा है, पता नहीं क्या है ये। चाबी को आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट देखने को नहीं मिलती। अब बात करें कि सीट एडजस्ट की तो यहाँ पे आपको मिलता है हाइट एडजस्ट देखने को मिलता है और पैक एडजस्ट को भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ तो आप फुट रेस्ट पर आराम से चढ़ के बैठ सकते हैं अंदर। अब बात करें स्पीडोमीटर की तो ऐसा दिखता है इसका। लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है RPM, राइट साइड मिलता है आपको स्पीडोमीटर, बीच में मिलता है आपको डिजिटल। ये आपको नॉर्मल फीचर देखने को मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल की तो इसमें आपको मिलता है म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल उठाने का, बीच में महिंद्रा का लोगो। राइट साइड आपको मिलता है यहाँ पे इस कंट्रोल करने के स्पीडोमीटर के। स्टेयरिंग पर आपको कोई लेदर फिनिश देखने को नहीं मिलती। यह आपको सिल्वर से एक पट्टी दे रखी है। स्पीडोमीटर आपको ऐसे दिखते हैं सारे फंक्शन इसके, टाइम बता रहा है, ये सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरफ तो उसमें आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। ये सारे कंट्रोल दे रखे आपको नीचे। अब होम पे जाके तो ऐसे देख सकते हैं आप। यहाँ पे एडवेंचर पे जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है ऑन रोड, ऑफ रोड, कस्टम। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी कर सकते हैं इसके। ये सारे फीचर्स है आप ऑन रोड, पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा। ये सारे होम सारे फीचर्स है। फ़ोन कनेक्टिविटी इसमें आपको मैनुअल सेटिंग्स का इन्फो वगैरह देखने को मिलता है। मैप भी आराम से चला सकते हैं आप इसके अंदर। बात करें इसके एसी वेंट की तो क्वालिटी काफ़ी थोड़ी चीप लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कार्बन फिनिश दे रखी है आपको। नीचे आपको कंट्रोल दे रखे हैं।
इस साइड आप कूलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल दे रखा है, यहाँ पे इस नीचे की साइड आपको कंट्रोल दे रखा है, यहाँ पे किसी के नीचे आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन एंड ऑफ का, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलता है बेल्ट का। नीचे की बात करते हैं आपको मिलता है USB पोर्ट दो देखने को मिलते हैं, बीच में आपको ऑक्स का मिलता है, या आपको 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट मिलता है यहाँ पे देखने को। नीचे ऐसी कोई स्पेस, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पे आपको मिलता है 4x4 के गियर नॉब, फोर व्हील ड्राइव एंड लो पे आप चला सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। पावर विंडो का स्विच आपको सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं, डोर पे नहीं मिलते। ये आपको नॉब मिलता है यहाँ पे हैंड ब्रेक का सिर्फ फिनिश में। यहाँ पे कप होल्डर मिलते हैं दो आपको, ऊपर आपको कपड़े की छत मिलती है, इसको आप रिमूव करके ओपन थार बना सकते हैं। IRF यहाँ आपको मैनुअली मिलेगा, ये पता नहीं इसका रिमूव करने का है। कपड़े की क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। बात करें वैनिटी मिरर, आपको ब्लैक में मिलेगा सर, उसमें कोई लैम्प देखने को नहीं मिलती, ऐसे ही दिखती पीछे। यहाँ पे आपको लैम्प दे रखी है, यह स्पीकर दे रखा है आपको, रूफ आपको ब्लैक में मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, ये आपको थार पकड़ने के लिए। यहाँ पे आप कुछ लिखा, नीचे की साइड आपको स्पीकर दे रखा है, ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर ब्लैक में। काफ़ी पहले वाले से तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब बात करें स्टीयरिंग एडजस्ट की, तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको कंट्रोल दे रखे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल दे रखे हैं आपको। नीचे साइड आपको स्पीकर मिलता है, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिलेगा एक्सीलेटर एंड ब्रेक। अब चलते हैं इसके पीछे की सीट पे, तो एक सेकंड बाद बंद कर देता हूँ उसको। पीछे आपको को ड्राइवर वाली साइड से जाना पड़ेगा, यहाँ पे सीट को आप आराम से पीछे कर सकते हैं, इधर से सीट एकदम से नीचे चली जाएगी, उसको आगे करके आप पीछे आराम से जा सकते हैं। ये फुट आपको ऊपर चढ़ने के लिए दे रखा है, आराम से आप बैठ सकते हैं। सो कर देते हैं पीछे, ये आपको हुक दे रखा है आराम से कुछ टांगने के लिए। यह आपको कोई कपड़ा सा दे रखा है, चीप क्वालिटी का पता नहीं क्या है ये। यहाँ पे ग्रिप हैंडल दे रखा है आपको पकड़ने के लिए, ऊपर फोल्ड ग्रिप के लिए। हार तो डंडे तो आपको मिलेंगे ही, यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं आपको दो, ट्विटर दो स्पीकर। छत को आप रिमूव भी कर सकते हैं, कपड़े को हटा सकते हैं आराम से, तो आपकी जीप खुली हो जाएगी बिल्कुल। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है पीछे के साइड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ सकते हैं तीन जने। ऐसा दिखता है इंटीरियर इसका। बात करें इसकी सीट की, तो उसमें आपको लेदर में फैब्रिक में मिलती है देखने को, साइड में आपको लेदर मिलेगी, बीच में आपको फैब्रिक देखने को मिलती है। अब सीट को आप रिक्लाइन एंगल से भी कर सकते हैं आप एडजस्ट, आप पीछे आपको स्पेस मिलता है यहाँ पे कुछ। तो चलते हैं इसके बाहर की तरफ, तो आपको बाहर जाना हो तो आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती निकलने में। कर देते हैं डोर को बंद, सीट को आप आराम से पीछे कर सकते हैं। कर देते हैं डोर को बंद, अब दिखाते हैं आपको इंजन ओपनर यहाँ पे दे रखा है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। बोनट खोलने के लिए आपको पहले ये लॉक रिमूव करने पड़ेंगे, फिर आराम से बोनट खोल सकते हैं। अब बात करें इसके इंजन की, तो उसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का MOK 130 मिलता है, 2184 cc का आपको इंजन मिलता है, जो कि 130 BHP की मैक्स पावर जनरेट करता है। 300 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा इसके अंदर, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है इसके अंदर। अब प्राइसिंग आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, वीडियो कहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।